बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 10 साइंस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की एक वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू की है, तो आज आपके सामने है इसी सीरीज का वीडियो लेक्चर 2। वीडियो लेक्चर 2 स्टार्ट करने से पहले अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है या देखकर भूल गए हैं, तो पहले आप फर्स्ट वीडियो को देखें, उसके नोट्स बनाएं, ताकि वीडियो लेक्चर 2 उसके साथ प्रॉपरली ज्वाइन हो सके। एक और बात, अगर आपको वीडियो लेक्चर एक बारी में समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उस वीडियो लेक्चर को दोबारा देखें, कॉन्शियस माइंड के साथ देखें, तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर 2। आज के हमारे टॉपिक रहने वाले हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, सम कॉमनली यूज कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, टाइप्स ऑफ सर्किट, हाउ टू ड्रॉ इलेक्ट्रिक सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड देयर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक सर्किट। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट? एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज कंटिन्यूअस एंड कंडक्टिंग पाथ हैविंग ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, से ए सेल और ए बैटरी, कॉमा सम इलेक्ट्रिक एलिमेंट से ए बल्ब एंड ए स्विच और की, सो दैट करंट कैन फ्लो थ्रू द एंटायर पाथ व्हेन स्विच इज इन इट्स ऑन पोजिशन। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज और कंटिन्यूस पाथ है जिसके अंदर करंट फ्लो करता है जब वो ऑन कंडीशन में हो। क्या ऑन कंडीशन में हो? स्विच ऑन कंडीशन में हो, और ये उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो होने चाहिए। इसकी एक सिंपल डेफिनेशन आपके पास ये बनती है, एक कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। आप ये डेफिनेशन लिखो या ये डेफिनेशन लिखो, दोनों में आपको नंबर मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से सेम है। इसके अंदर थोड़ा सा डिटेलिंग में है। इस डेफिनेशन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पार्ट समझना पड़ेगा, या इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं वो पार्ट समझना पड़ेगा। साइंटिस्ट ने हमें कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के सिंबल्स दिए हैं, अगर हम प्रॉपरली उन्हें वैसे बनाएं तो नहीं बना पाएंगे। जैसे कि ए सेल, इस सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, एक शॉर्ट बार और एक लॉन्ग बार। लॉन्ग बार पॉजिटिव को शो करता है, शॉर्ट बार नेगेटिव को शो करता है। एक बैटरी, बैटरी वो होती है जिसमें एक से ज़्यादा सेल होते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। यहाँ पे हमने दो का एग्जाम्पल लिया है, तो दो के लिए आपको ये वाला सिस्टम दो बार बनाना पड़ेगा इस तरह से। अगर तीन होता तो इस तरह से बन जाता। पॉजिटिव नेगेटिव सेल को बनाते हुए, बैटरी को बनाते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि कभी भी दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव इकट्ठे नहीं आ सकते। सपोज करो मैं आप बैटरी बनाना चाहता हूँ दो सेल की, तो दो सेल की बैटरी इस तरह से कभी नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर दो पॉजिटिव एक साथ हो गए हैं, और इस तरह से भी नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पे दो नेगेटिव इकट्ठे आ गए, ना इस तरह से ना इस तरह से, अल्टरनेट चलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। उसके बाद प्लग, प्लग इन ओपन कंडीशन आप इस तरह से ड्रॉ करते हो, प्लग इन क्लोज कंडीशन यहाँ पे एक डॉट आ जाएगा। ये डॉट रिप्रेजेंट करता है कि जो प्लग है वो क्लोज है, और यहाँ पर ये डॉट नहीं है, इसका मतलब ये ओपन कंडीशन में। ओपन और क्लोज का मतलब ये होता है, ओपन मीन्स ऑफ कंडीशन, नो करंट फ्लो, और यहाँ पर क्लोज है, क्लोज मीन्स करंट फ्लो। एक आपके पास प्लग होता है और एक आपके पास स्विच होता है, दोनों का पर्पस सेम है, बस डिनोशन उसके डिफरेंट है। अगर हम स्विच की बात करते हैं, स्विच इन ओपन कंडीशन लाइक दिस, और स्विच इन क्लोज कंडीशन लाइक दिस। यहाँ पर ये ऑफ कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है मीन्स नो करंट फ्लो, और ये ऑन कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है मीन्स करंट फ्लो कर रहा है। इसके बाद कनेक्टिंग वायर, वायर आपके पास किसी भी तरह से हो सकती है, जैसे इस तरह से एक वायर हो सकती है, लेकिन जब भी आप उसे सर्किट डायग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ही ड्रॉ करोगे। स्ट्रेट लाइन आपके पास इस तरह से हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और इस तरह से वर्टिकल भी हो सकती है। तो सेल के लिए देख लीजिए, बैटरी के लिए देख लीजिए, प्लग इन ऑन कंडीशन, प्लग इन ऑफ क्लोज कंडीशन, स्विच इन ओपन कंडीशन, स्विच इन क्लोज कंडीशन, कनेक्टिंग वायर्स। इसके बाद आपके पास है ए फिक्स रेसिस्टेंस। फिक्स रेसिस्टेंस टॉपिक ही आगे दोबारा आएगा, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इस तरह से जिगजैग लाइन की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं
रसिस्टर को, रसिस्टर होता है ये, और रसिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी है, डिटेलिंग में आगे आ जाएगा वहाँ पे देखेंगे। वेरिएबल रसिस्टेंस, फिक्स रसिस्टेंस मीन जिसकी वैल्यू फिक्स हो, इसका मतलब क्या है, वैल्यू इज फिक्स। फाइव ओम, 10 ओम, कुछ भी हो सकता है, ये भी आपको ओम क्या है ये नहीं समझ में आएगा, बाद में समझ में आएगा, लेकिन अभी सिर्फ याद रखो कि रसिस्टर और रसिस्टेंस को, फिक्स रसिस्टेंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरह से। वेरिएबल रसिस्टेंस को इस तरह से, यहाँ पर एक लाइन लग जाती है एरो के साथ। इलेक्ट्रिक बल्ब को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब अगर ऑफ कंडीशन में तो ये रहेगा, अगर ऑन कंडीशन में है मीन जब ये ग्लो कर रहा है तो इस तरह से हम इसके चारों तरफ डैश डैश कर देते हैं। एमीटर, सर्कल ड्रॉ करके आपने ए ड्रॉ करना है, पॉजिटिव नेगेटिव लगाना है। वोल्ट मीटर, सर्कल ड्रॉ करके वी लगाना है, पॉजिटिव नेगेटिव। होते क्या है ये आगे आएगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए सिंपल डेफिनेशन वे में। एमीटर एक डिवाइस है या इंस्ट्रूमेंट है विच मेजर करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, और वोल्ट मीटर होता है एक इंस्ट्रूमेंट है, इट इज़ अ डिवाइस विच मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन इलेक्ट्रिक सर्किट। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब है कि पॉजिटिव पार्ट पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा बैटरी के, ये जो पार्ट है ये जुड़ेगा, अटैच होगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। अभी हम ड्रॉ करेंगे तब आपको पता लग जाएगा टर्मिनल ऑफ बैटरी, और ये नेगेटिव वाला नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। जैसे यहाँ पे देखिए आपको बैटरी यहाँ पे सिंबल शो किया था, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल बन जाता है, नेगेटिव टर्मिनल बन जाता है। तो अगर हमें इसमें एमिटर को जोड़ना है तो एमिटर आपका इस तरह से जुड़ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड से नेगेटिव नेगेटिव एंड से। अगर आपने इसको रिवर्स कर दिया, यहाँ पर नेगेटिव से जोड़ दिया, यहाँ पे पॉजिटिव जोड़ दिया, तो आपका ये डायग्राम गलत हो जाएगा, ये पार्ट गलत हो जाएगा, और नॉर्मली इसकी हाफ मार्क्स की वेटेज रहती है, हाफ मार्क्स आपका कट जाएगा। तो आपको इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है ये पता लग गया, एक कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ, दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सिंबल्स आपको पता लग गए हैं, ये जितने भी सिंबल्स आपको बताए हैं इसमें से सारे यूज़ नहीं होते, 4 से 5 यूज़ होते हैं, जैसे बैटरी ज़रूर यूज़ होगा, कनेक्टिंग वायर ज़रूर यूज़ होगा, स्विच ज़रूर यूज़ होगा, आपके पास बल्ब हो सकता है, फ़ैन हो सकता है, एमीटर और वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे हम देख चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, जो है कि टाइप्स ऑफ सर्किट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो कितने तरह के इलेक्ट्रिक सर्किट हमारे पास अवेलेबल हैं, हमारे पास 2 टाइप के सर्किट अवेलेबल हैं, एक है क्लोज सर्किट और एक है ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट ओपन सर्किट। अभी डिपेंड किस पे करता है कि ये क्लोज सर्किट है या ओपन सर्किट पे है, ये आपका डिपेंड करता है स्विच और प्लग के ऊपर। अगर आपने क्लोज स्विच या क्लोज प्लग यूज़ किया हुआ है, की यूज़ किए हुए हैं, तो वो क्लोज सर्किट बन जाएगा, अगर ओपन किया हुआ है तो ओपन बन जाएगा। देखिए देखो ध्यान से, यहाँ पर एक क्लोज सर्किट, एक क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट इज द इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस, थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस। तो यहाँ पर इसके जो कंपोनेंट, नेसेसरी कंपोनेंट्स हैं, सिर्फ वही हमने यहाँ पर शो किए हैं। ये आपके पास रहेंगे कनेक्टिंग वायर्स, ये हमारे पास है बैटरी विच कंटेन 2 सेल, बैटरी विद 2 सेल, ये हमारे पास है क्लोज की, क्लोज डॉट मीन्स क्लोज की। एमीटर, एमीटर का देखो पॉजिटिव टर्मिनल मैंने अटैच किया है पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी से, और नेगेटिव टर्मिनल अटैच किया है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, और ये हमारे पास है बल्ब। अब बल्ब के चारों तरफ हमने ये डैश क्योंकि आपको पता लग गया क्योंकि ये ऑन कंडीशन में, क्लोज का मतलब होता है ऑन, ऑन मीन्स करंट फ्लो कर रहा है। अब करंट फ्लो कर रहा है तो आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि करंट जो हम सर्किट डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं वो कन्वेंशनल करंट शो करते हैं, और उसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये हमने शो कर दिया डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड। ये एक डायग्राम इस बार एग्जामिनेशन में, सीबीएसई एग्जामिनेशन 2 मार्क्स का था, इसमें एक आधा कंपोनेंट और था, लेकिन ये पूरा डायग्राम 2 नंबर के अकॉर्डिंग था। और जो जो पार्ट आपको गलत होगा, सपोज करो आपने यहाँ पे एमीटर में गलती कर दिया तो हाफ नंबर कट जाएगा, बैटरी में गलती कर दिया तो हाफ नंबर कट जाएगा, स्विच में अगर आपने ओपन स्विच बना दिया है तो आपका हाफ नंबर कट जाएगा, इस तरह से। ये जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको यकीन ना हो तो सीबीएसई से आप पेपर को डाउनलोड कर सकते हो, और आपको वहाँ पर ये 5 मार्क्स क्वेश्चन में मिलेगा, 5 मार्क्स क्वेश्चन में, और 2 मार्क्स की ये इसकी वेटेज थी, फिर उसके साथ न्यूमेरिकल अटैच था कैसे था वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये पार्ट आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है,
यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कई बार आपको ये डायग्राम, ये वाला डायग्राम बना के दे देंगे और पूछ लेंगे बताओ ये क्या है, तब आपको बताना होगा कि ये वेरिएबल रेसिस्टेंस है और इसका आपको एक नंबर मिल जाएगा, 1.5 जो भी होगा वो आपको वहाँ पर देख लेंगे। इसमें एक बात नोट कर लेना कि जो एमीटर है वो हमेशा सीरीज में अटैच होता है। अब सीरीज में क्या होता है ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी आपने सिर्फ ये बताना है जो एमीटर होता है वो सीरीज में अटैच होता है और वोल्ट मीटर जो होता है वो पैरेलल में अटैच होता है। अभी सीरीज और पैरेलल की आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, इसलिए अभी आप ये सारी बातें नहीं बता पाओगे, लेकिन आपने ध्यान ये रखना है कि एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो क्लोज सर्किट कंप्लीट है, यहाँ पर हमारा आ गया ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में जैसे मैंने आपको पहले बताया, सर्किट क्लोज है या ओपन है ये डिपेंड करता है की पोजीशन पर, की पर। अगर की ओपन है तो ओपन सर्किट हो जाएगा, अगर क्लोज है तो क्लोज हो जाएगा। क्लोज को हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट और उसके जो डॉट लगा के, और यहाँ पर आपके पास सिर्फ ये ब्रैकेट पोर्शन रहेगा। डेफिनेशन आप नोट कर सकते हो अपने नोट्स के अंदर। एंड ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट इज द इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच नो करंट फ्लोज। ओपन का मतलब होता है ऑफ, ऑफ मीन्स नो करंट, और अब यहाँ पर करंट नहीं है इसीलिए यहाँ पे हमने ग्लो नहीं करा, इसको ग्लोइंग हमने यहाँ पर शो नहीं की है। कई बार सीबीएसई में इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपके दोनों सर्किट डायग्राम दे रखे होंगे और आपसे पूछ लेंगे इसमें गलती क्या है, तो उस केस में आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना होता है कि स्विच कौन कैसा है, ओपन है या क्लोज है, और उसके अकॉर्डिंग आपको देखना होता है कि बल्ब को ग्लोइंग कंडीशन में रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ। उसके बाद आप एमीटर के कनेक्शन देख सकते हो कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ा है या नहीं, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ा है या नहीं, और यहाँ पर इस बैटरी को भी ध्यान से देख सकते हो, और फिर डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। कई बार आपके पास डायरेक्शन ये आती है इस तरह से, इसमें तो नहीं है छोड़ो इसमें काट देते हैं। कई बार डायरेक्शन सपोज करो आपके पास रिवर्स आ गई इससे, तो यहाँ पर आप इसे गलत में कंसिडर करोगे, क्योंकि हम सर्किट डायग्राम में हमेशा कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन शो करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट की नहीं करते। और अगर वो इस तरह से नेगेटिव टू पॉजिटिव शो कर रहा है तो इसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट को शो कर रहा है। तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाला पार्ट है, और सीबीएसई में मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि बच्चे इसमें कन्फ्यूज होकर अपना पेपर भी गलत कर लेते हैं। तो ये था सिर्फ और सिर्फ हमारा सर्किट के बारे में। सर्किट से क्वेश्चन आ सकता है, आपको बता दिया है, सर्किट की डेफिनेशन आपको बता दी है, ये अच्छी डेफिनेशन है, ये भी अच्छी डेफिनेशन है, दोनों के नंबर भी सही मिलते हैं, बस वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या कंफर्ट है। अगर ये कंफर्टेबल है तो ये पढ़ो, अगर ये कंफर्टेबल लगती है तो ये भी पढ़ सकते हो। फिर यहाँ से भी 2 नंबर का क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। सिम्बल्स ऑफ सम कॉमनली यूज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, और उसके बाद ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट को आपको बनाना आना चाहिए। आपको वहाँ पर वो दे देगा कि ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम हैविंग ए बल्ब सेल बैटरी ऑफ 3 सेल्स एमीटर वोल्ट मीटर और स्विच इन क्लोज कंडीशन। तो इस तरह से आपको ये बनाना पड़ेगा, यहाँ पर 2 सेल की बैटरी है बस, यहाँ पर 3री सेल और ऐड हो जाएगी। वोल्ट मीटर अगर वो बोलता है तो वोल्ट मीटर, जैसे मैंने आपको कहा वोल्ट मीटर पैरेलल में अटैच होता है, तो आप क्या करोगे अप्लाइंस के साथ नीचे या ऊपर, क्योंकि ऊपर जगह नहीं बचे मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ, आप इस तरह से वोल्ट मीटर को ड्रॉ कर दोगे, और फिर से सेम रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये वाला एंड पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, ये वाला एंड नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। अगर आपने इनके एंड्स को ज्वाइन करते हुए सिंबल्स ड्रॉ करते हुए गलती करी तो आपका हर गलती पर आपका हाफ हाफ नंबर कट जाएगा। तो ये था हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। इलेक्ट्रिक सर्किट वाला टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, इसे अपने आप प्रिपेयर कर लेना, वीडियो को पॉज कर करके देख के, या फिर जैसे भी स्क्रीनशॉट लेके आपको करना है वैसे आप देख लेना। अब बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपकी थोड़ी सी कॉमन साइंस या कॉमन नॉलेज को टेस्टिंग करना चाहूँगा। अब वो टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप तो रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हो, लेकिन फिर भी चलो मैं आपके रिस्पॉन्स को अपने अपने आप बोल के उसके आंसर भी अपने आप दूंगा। तो हम पहले फर्स्ट डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम में मैंने क्या किया है, एक बीकर ये बनाया है, एक बीकर ये बनाया है, और एक ऐसे सिस्टम बनाया है कि दोनों बीकर को हमने पाइप के थ्रू जोड़ दिया और यहाँ पे लगा दिया है स्टॉपर। और स्टॉपर किस कंडीशन में है, क्लोज कंडीशन में। इस स्टॉपर को आप बिल्कुल टैप की तरह, जो नॉर्मल घर में टैप होता है वो मान सकते हो, और बस ये ध्यान रखना कि इस समय क्लोज कंडीशन में है, यानी कि पानी आपका फ्लो नहीं कर सकता। तो अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए ये है, क्या पानी फर्स्ट बीकर में से सेकंड बीकर में जाएगा? तो आप में से मैक्सिमम बच्चों का आंसर होगा नहीं, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि मैंने आपको बता दिया स्टॉपर इस समय क्लोज कंडीशन में है, ये पानी को ए बीकर से बी बीकर में जाने नहीं देगा।
अगर आपका जवाब हाँ है तो उसको चेंज कर लीजिए, या फिर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप में से किसी ने हाँ बोला है कि हाँ पानी चला जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ पे स्टॉपर लगा हुआ है, पानी इसको यहाँ पे जाने नहीं देगा। दूसरी कंडीशन में हम क्या करते हैं, दूसरी कंडीशन बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ इस समय स्टॉपर या जो टैप है इसका, इस समय ओपन कंडीशन में पानी फ्लो कर सकता है। तो अब इस सेकंड कंडीशन में देखो कि पानी आपका ए बीकर से बी बीकर में या बी बीकर से ए बीकर में जाएगा या नहीं जाएगा। तो अब भी पानी आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इस समय आप देखोगे कि इनका वाटर लेवल जो है बिल्कुल कांस्टेंट है, सेम है। जब सेम वाटर लेवल है तो यहाँ पे ये नहीं जाएगा, और यहाँ से ए से बी में नहीं जाएगा, बी से ए में नहीं जाएगा, ए से बी में नहीं जाएगा, बी से ए में नहीं जाएगा। तो यहाँ पर भी पानी आपका फ्लो नहीं करेगा। तो फर्स्ट कंडीशन में टैब आपका क्लोज कंडीशन में था, इसलिए पानी फ्लो नहीं कर रहा था। सेकंड कंडीशन में वाटर लेवल सेम हो गया, इसलिए आपका पानी मूव नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पानी को फ्लो करने के लिए हमें एक ऐसी कंडीशन चाहिए जब आपका वाटर लेवल भी डिफरेंस हो और टैब भी आपका ओपन कंडीशन में हो, लाइक दिस। यहाँ पर आप देख रहे हो जो हमारा स्टॉपर है वो ओपन कंडीशन में, यानी कि पानी फ्लो कर सकता है और डिफरेंट वाटर लेवल भी है। तो अब यहाँ पर होगा क्या? यहाँ पर जो है पानी आपका ए बीकर से बी बीकर में जाएगा, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। और इसके साथ साथ इसका अपोजिट यानी कि बी बीकर से ए बीकर में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि पानी हमेशा हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जाता है। यही आपकी कॉमन सेंस में इनको मुझे यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट थी। अगर आपको ये कॉमन सेंस है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो दोबारा देख लीजिए वीडियो को, या फिर इस पोर्शन को आगे पीछे करके स्क्रॉल करके, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पे दोबारा आपको समझ में आ गया होगा कि वाटर ए लेवल से, ए बीकर से बी कंटेनर में जाएगा, बी से ए में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ए कंटेनर पे ही हाई वाटर प्रेशर है, बी पर लो वाटर प्रेशर है, और वाटर फ्लो करेगा आपका हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये बात आपको क्लियर हो रही है? तो अब इसका मतलब क्या है कि अगर हमें वाटर को फ्लो करना है, वाटर जो फ्लो करता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर करता है, अगर हमें वाटर को फ्लो करना है तो हमें प्रेशर डिफरेंस चाहिए, और जब प्रेशर डिफरेंस होगा तब वाटर आपका फ्लो करेगा, और वो भी अलाउ करता, अगर पाथ अलाउ करता है तो। जब वाटर फ्लो करेगा आपका तो इसका मतलब क्या है? कुछ वर्क डन होगा। अब ये समझना, फर्स्ट चीज़ आपको ये समझना है कि वाटर फ्लो होगा ए से बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी, और फिर उसमें क्या होगा? कुछ वर्क डन होगा। अब इसी वाटर फ्लो, इसी वर्क डन को जब वाटर आपका फ्लो करता है उसे हम अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो से डिवाइड करते हैं, तो वो बन जाता है आपका वाटर प्रेशर। यानी कि जितना यहाँ पर वाटर प्रेशर डिफरेंस है ना, यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो जितना डिफरेंस है उसके अराउंड, उसके अकॉर्डिंग ही आपका वर्क डन डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ वर्क फ्लो होगा। क्लियर है? दोबारा समझो इस चीज़ को। जब वाटर आपका फ्लो करता है तो फ्लो कितना करेगा, ये बात आ गई है। तो वाटर आपका उतना ही फ्लो करेगा जितना आपका वाटर प्रेशर में डिफरेंस है, और उसी के अकॉर्डिंग जो वर्क डन आएगा वो ऊपर चला जाएगा, न्यूमिनेटर में चला जाएगा, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और वो आपका बन जाएगा डिफरेंस इन वाटर प्रेशर। अगर ये सारी थ्योरी आपको क्लियर है, क्लियर हो चुकी है, देखो थ्योरी जो थी ऊपर तक ही थी, यहाँ तक हमें थोड़ा सा क्रैमिंग पार्ट है कि वर्क डन हमेशा ऊपर आएगा और जो अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो है वो नीचे आएगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा? आपका डिफरेंस इन वाटर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमारा जो कंसेप्ट है, हमारा कंसेप्ट वाटर नहीं है, हमारा कंसेप्ट है चार्ज में, जो हमारा जो कंसेप्ट है वो आपके पास है इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कराना है हमने, यहाँ पर हमने वाटर फ्लो किया था, हमने यहाँ पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करना है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा? उसे चार्ज डिफरेंस देना पड़ेगा। जैसे वाटर फ्लो को देने के लिए हमें क्या देना पड़ा, वाटर जो प्रेशर डिफरेंस है वो देना पड़ा, उसी तरह से चार्ज को फ्लो करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, चार्ज डिफरेंस देना पड़ेगा। और वही चार्ज डिफरेंस आपके पास क्या बन जाता है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक प्रेशर कह लो या फिर पोटेंशियल डिफरेंस कह लो, जो टर्म बनती है वो क्या बनती है, पोटेंशियल डिफरेंस। और जो फॉर्मूला है वो आपका सेम रहेगा, वर्क यहाँ पर बीकर ए टू बी था, यहाँ पर पॉइंट ए टू बी हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय चार्ज। जैसे हमने यहाँ पर अमाउंट ऑफ चार्ज लिखा था, यहाँ पर लिखा जाएगा क्वांटिटी ऑफ चार्ज। तो इस सारी थ्योरी के बाद आपके पास बन गई है पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, ठीक है? तो ये डायग्राम वही है जो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया, कि अगर हमारे पास ये कंडक्टर है सपोज करो, और हमें इसमें सिर्फ चार्ज को फ्लो करना है, चार्ज फ्लो नहीं करेगा, कब तक नहीं करेगा, जब तक डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। तो डिफरेंस कौन क्रिएट करेगा, डिफरेंस क्रिएट करेगा आपका बैटरी।
बैटरी डिफरेंस पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करेगा, कैसे क्रिएट करेगा, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव, पॉजिटिव हायर प्रेशर और नेगेटिव लोअर प्रेशर, तो इसी वजह से क्या होता है चार्ज फ्लो करता है आपका फ्रॉम हायर पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल टू लोअर पोटेंशियल नेगेटिव टर्मिनल, हायर पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल टू लोअर पोटेंशियल नेगेटिव टर्मिनल, और इस तरह से आपका करंट फ्लो करता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सारा, इफ़ वी वॉन्ट टू मूव इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम ए कंडक्टर देन वी मस्ट सप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस बाय कनेक्टिंग ए सुटेबल बैटरी। तो इस सारी थ्योरी के बाद पोटेंशियल डिफरेंस की लास्ट में डेफिनेशन आपके पास आ गई है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। फॉर्मूला, अच्छा फॉर्मूला बन गया आपके पास, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू, वी रिप्रेजेंट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्क और क्यू इज इक्वल टू चार्ज। तो फॉर्मूला बन गया आपके पास वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। अब जब आपके पास फॉर्मूला आ जाता है तब आप उस तब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वो रहता है उसकी एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा इसके फॉर्मूले का यूज़ करके, वर्क की एसआई यूनिट जूल, कूलम की चार्ज की एसआई यूनिट कूलम, तो क्या बन गया आपके पास जूल पर कूलम बन गया, और ये जूल पर कूलम को हम एक नाम देंगे, वो नाम देते हैं हम वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट आपके पास बनेगी वोल्ट, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वी से। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है वो रहता है आपके पास डिफाइन वन वोल्ट, कई बार वो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वन मार्क्स में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस में जस्ट लिख कर आते हैं वोल्ट, तो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि वोल्ट को डिफाइन करना है, हम आपसे ये नहीं जानना चाह रहे कि आप पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जो यूनिट होती है आप उसे डिफाइन करो। जैसे फर्स्ट वीडियो में हमने किसकी यूनिट डिफाइन की थी, फर्स्ट वीडियो में हमने डिफाइन की थी एसआई यूनिट ऑफ करंट, क्या होती है एसआई यूनिट ऑफ करंट अपने मन में बोलो, तो एसआई यूनिट ऑफ करंट होती है एम्पियर, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया था कैपिटल ए से। उसी तरह से आपके पास दूसरी डेफिनेशन आई है आज वन वोल्ट की, सेकेंड वीडियो में सेकेंड डेफिनेशन वन वोल्ट, तो पोटेंशियल वन वोल्ट की डेफिनेशन आपके पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज सेट टू बी वन वोल्ट व्हेन वन जूल ऑफ वर्क इज टू बी डन टू मूव वन कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी सपोज करो यहाँ पर ए बी, तो जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस वन वोल्ट कब होगा जब वन कूलम चार्ज फ्लो करेगा और वन जूल वर्क डन होगा, चार्ज की वैल्यू भी वन कूलम होनी चाहिए और जो वर्क डन है उसकी यूनिट भी वन होनी चाहिए। आप टू टू के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो लेकिन वो सही आइडिया नहीं माना जाता, वन वन ही सही आइडिया माना जाता है, टू टू से भी कट के वन ही आने वाला है लेकिन वो हमें बुक्स में देखने को नहीं मिलता है, तो आप लोगों ने भी उसे नहीं लिखना है, आपने वन वन के कोरस्पॉन्डिंग ही करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हो चुकी है, उसका फॉर्मूला हो चुका है, उसकी एसआई यूनिट हो चुकी है और उसकी डेफिनेशन हो चुकी है, यहाँ से आपका वन मार्क्स का कोई ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी तरीके से बन जाएगा। ऐसे ही हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, फर्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था, उसका फॉर्मूला देखा था, उसकी एसआई यूनिट देखी थी और उसकी डेफिनेशन देखी थी, यहाँ से वन मार्क्स से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है तब भी हमें नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा पता होना चाहिए, क्योंकि लास्ट में यही छोटे छोटे पॉइंट्स मिलकर एक बड़ा कंसेप्ट बनेंगे। तो चलते हैं इसके लास्ट पोर्शन पर, जो लास्ट पोर्शन हमारे पास था रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले हम एक बॉक्स में फॉर्मूला लिख लेते हैं, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ये फॉर्मूला यूज होगा और इससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 20 मिली जूल, इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं 20 मिली जूल, जब भी आपके पास स्मॉल एम होता है वो मिली में बन जाता है, जैसे एम एल होता है ना मिली लीटर, तो उसी तरह से यहाँ पर हमारे पास क्या है मिली जूल। तो 20 मिली जूल वर्क इज टू बी डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 100 माइक्रो कूलम, इसे हम पढ़ते हैं माइक्रो, स्मॉल एम को हम पढ़ते हैं मिली और इस सिंबल को माइक्रो को हम पढ़ते हैं माइक्रो माइक्रो।
तो यहाँ पर आपके पास मिली का मतलब क्या होता है, मिली का मतलब होता है 10^-3, माइक्रो का क्या मतलब होता है 10^-6। अब क्योंकि मिली जूल लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्या है मिली जूल, तो क्या बन जाएगा 10^-3 जूल, और ये बन जाएगा 10^-6 कूलम। तो ये अब है क्या आपको रिप्रेजेंट हो ही रहा है, दिख ही रहा है यहाँ पर, ये वर्क है। तो वर्क इज इक्वल टू 20 मिली जूल, मीन्स 20 × 10^-3 जूल, और ये हमें दिया हुआ है चार्ज, कूलम से पता लग जाता है, ये चार्ज दिया हुआ, चार्ज दे रखा हमें 100 माइक्रो कूलम, 10^-6 कूलम। यहाँ पर आप लिख सकते थे 100 100 माइक्रो कूलम, और इसको मैंने ऐसे चेंज कर दिया। हमें निकालना क्या है अक्रॉस टू पॉइंट, व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स हमें वी वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला पुट करते हैं, वी इज इक्वल टू W/Q, W इज इक्वल टू 10 20 × 10^-3, 100 × 10^-6। अब इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करने का पार्ट मैथमेटिक्स पार्ट होता है, बिल्कुल सिंपल रहेगा आप लोगों के लिए। इसे हम ऊपर ले जाएंगे, इसे काट लेंगे, ये हो जाएगा 1/5, 10^-3, 10^+6। जब ऊपर जाएगा तो ये +6 हो जाएगा, जब बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती है, 1/5 × 10^-3 + 6, ये बन गया आपके पास 10^+3/5। 10^3 का मतलब होता है 1000, तो 1000 बाई फाइव इज इक्वल टू 200। और यहाँ पर हमारे पास क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है वोल्ट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वोल्ट। अगर वर्डिंग फॉर्म में लिखोगे तो लिखना है 200 VOLT, स्मॉल VOLT, और अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो कैपिटल V। तो ये रहा हमारे पास आंसर, आंसर हमेशा हमें बॉक्स में लिखना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। हाउ मच वर्क इज टू बी डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 5 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट एट 12 वोल्ट टू ए पॉइंट एट 16 वोल्ट। हाउ मच वर्क इज टू बी डन, यानी कि आपको निकालना है वर्क, तो वर्क के साथ लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। इन मूविंग ए चार्ज, चार्ज यानी क्यों, 5 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट दिस टू दिस। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 2 वोल्टेज दे दिए, तो कौन सी वैल्यू को यूज करना है। यहाँ पर आपको 2 वोल्टेज नहीं दी गई है, आपको यहाँ पर पॉइंट समझना चाहिए, आपको समझ में आ चुका होगा शायद, आपका माइंड वहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा है कि आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस में होता गया, पोटेंशियल डिफरेंस में 2 पॉइंट होते हैं ए बी, उनके बीच का डिफरेंस होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर आपको एक में दे रखा है 12, एक में दे रखा है 16, तो डिफरेंस कितना आ गया 4 का। तो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है, वी की वैल्यू आपके पास है, वो है 4 वोल्ट। इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना, ये ना हो कि पहले एक बार 12 से वैल्यू निकालो फिर 16 से वैल्यू निकालो, आपको क्या करना है डिफरेंस से वैल्यू निकालनी है। डिफरेंस करते हुए सिर्फ डिफरेंस देखना है, उसमें माइनस नहीं देखना। तो फॉर्मूला यूज हो जाएगा आपका वी इज इक्वल टू W/Q, तो W हो जाएगा आपके पास V × Q, तो V की वैल्यू आपके पास है 4 वोल्ट, चार्ज की वैल्यू आपके पास है 5, तो ये आपके पास आ गया 20। तो 20 क्योंकि हमने निकाला है वर्क, तो बन जाएगा 20 जूल, तो ये इसका आंसर है। बहुत आसान है, करके देखो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए करंट ऑफ 3.6 मिली एम्पेयर इज फ्लोइंग थ्रू द एलिमेंट ऑफ ए वैक्यूम ट्यूब, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू द एलिमेंट। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये करंट वाला क्वेश्चन कैसे आ गया, तो ये मैंने फर्स्ट वीडियो से उठा लिया, फर्स्ट टॉपिक से। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या था, करंट का था, और उसके अंदर आपके पास फॉर्मूला यूज होता था I इज इक्वल टू Q/T और I इज इक्वल टू NE/T। ये क्वेश्चन इसलिए लिया था कि आपकी पिछले वीडियो की रिवीजन हो जाए। आप लोगों ने हमेशा जिस वीडियो को आप देख रहे हो उससे पहले वाली वीडियो को ज़रूर डिस्कस करना है, ज़रूर देखना है, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा या फिर कंटिन्यूटी नहीं बन पाएगी। और अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, फर्स्ट चैप्टर के साथ ये कंटिन्यूशन में है, ये सेकेंड पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन
एक स्टेप ऊपर का है। ये एक स्टेप ऊपर का क्यों है? क्योंकि इसके अंदर दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ तक है और उसके बाद यहाँ पर आपका सेकंड पार्ट शुरू हो जाता है। तो पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, फिर सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। ए करंट ऑफ 3.6 मिली एम्पियर, करंट की वैल्यू आपके पास है 3.6 मिली एम्पियर, और मिली को कैसे पढ़ते हैं आपको मैंने बताया था 10^-3 में। तो करंट की वैल्यू आपके पास है 3.6 इंटू 10^-3 एम्पियर इज़ फ्लोइंग थ्रू द एलिमेंट ऑफ ए वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब से वो पास हो रहा है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आपको निकालनी है एन वैल्यू, ई वैल्यू आपको माननी पड़ेगी, मतलब ये एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर दे रखा है 1.6 इंटू 10^-19 कुलम। अगर ये ना भी दे रखा हो तब भी आपको कहा था कि आपको इसकी वैल्यू याद रखनी है। फर्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन पर ये होता है, प्रोटॉन पर भी यही चार्ज होता है, बस डिफरेंस ये आता है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, उस पर पॉजिटिव। अब यहाँ पर इन्होंने कंप्लीट चार्ज पॉजिटिव दिया हुआ है, इसीलिए हमने इस चार्ज को पॉजिटिव ले लिया। तो हमें और टाइम हमें दे दिया 1 सेकेंड, पर सेकेंड मीन्स टाइम इज 1 सेकेंड। तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो आई इज इक्वल टू एन ई बाई टी, आई वैल्यू आपके पास है 3.6 इंटू 10^-3, एन वैल्यू आपको निकालनी है, ई वैल्यू आपके पास है 1.6 इंटू 10^-19, टाइम आपके पास है 1 सेकेंड। तो एन की वैल्यू निकालनी है क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाएगा। एन इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10^-3, 1.6 इंटू 10^-19। ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी 10 आएगा, यहाँ पर भी 10 आएगा, इससे ये कट जाएगा। तो ये पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्ट कट गया। इसे हम सोल्व करेंगे एक्सपोनेंशियल मेथड से और इसको हम कट कर सकते हैं। जब 16 को आप 36 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 2.25। और हमारे पास यहाँ पर 10^-3, 10^-19। ये पॉजिटिव 19 क्यों हुआ? क्योंकि ऊपर गया, डिनोमिनेटर में गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.25 इंटू 10^16, 2.25 इंटू 10^16। और इसके साथ कोई यूनिट नहीं आएगी। क्यों नहीं आई? क्योंकि जस्ट ये नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे मान लो चार बुक्स आपके पास हैं, फोर बुक्स हैं, तो फोर बुक्स ही होती हैं वो, तो वो नंबर है, नंबर के साथ कोई यूनिट नहीं होता। तो ये फर्स्ट पार्ट हम सोल्व कर चुके हैं, अब बारी आती है इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हमने बताना है हाउ मच चार्ज, हाउ मच चार्ज मीन्स क्यू वैल्यू आपको निकालनी है, टाइम वैल्यू आपके पास 10 मिनट्स दिया हुआ है, और आई वैल्यू अगेन 3.6 इंटू 10^-3 एम्पियर। अब ये SI में है, ये SI में नहीं है, SI में चेंज कर लेते हैं बाय मल्टीप्लाइंग बाय 60, तो हो जाएगा 600 सेकेंड। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो यहाँ पर बन जाएगा आपके पास 3.6 इंटू 10^-3 इंटू 600। इसे हम नीचे लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा आपका 3.6 इंटू 600 डिवाइड बाय 10^-3। तो एक पॉइंट हटेगा, यहाँ पे 10 आएगा, तो 36 600 10 1000। 2 0 से 2 0 ये कट जाएंगे। आपको 36 को 6 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना है, तो आंसर आपके पास आ गया 2.16 कूलम, क्योंकि आपने निकाला है चार। तो दोनों ही आंसर को बॉक्स में लिखेंगे तो ये आपका आंसर हो गया। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं जिसमें एक से ज़्यादा क्वेश्चन हो, क्योंकि अब आपका लोअर क्लासेस लेवल नहीं रहा, अब आप बड़े हो गए हो, तो 10th क्लास में एक ही क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट जब होंगे वो क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, आपने उन्हीं क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और ऐसे क्वेश्चन में गलतियाँ भी ज़्यादा होती हैं, तो इसीलिए प्रैक्टिस करो जितनी ज़्यादा आप कर सकते हो। तो इसी के लिए मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए आप ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको दे दिया है, लेकिन ये आपने डायरेक्ट आंसर नहीं देखना, पहले आपने इसको सॉल्व करना है, फिर आंसर को यहाँ से देखना है। सेकेंड का दे दिया है, थर्ड का नहीं दिया है। तो इन 3 क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दूंगा। तो आई होप कि आपको इस लेक्चर समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको बार बार देखिए, एक बार नहीं से नहीं हो रहा है दो बार देखिए, दो से नहीं हो रहा है 3 बार देखिए, हो जाएगा। इसी के साथ थैंक यू।